हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा एक ड्राइवर यूनिट है जिसे हम आज ट्यूटर बना के चलाएंगे कि ये हमारे ट्यूटर को कैसे फेल करता है। ये आहूजा का ड्राइवर यूनिट है, LMT ड्राइवर का हमने ये ट्यूटर यूज किया है। सॉरी, ट्यूटर नहीं, ये हमने ट्यूटर की जगह यूज किया है जो हमारा LMT आता है, 40XT मॉडल करके, आहूजा का 40XT, उसी का हमने ये ड्राइवर यूनिट का प्रयोग किया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका हमने ट्रांसफार्मर सेक्शन जो था उसे निकाल दिया है, सिर्फ मैग्नेट सेक्शन से ही हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। तो ऐसे देख रहे हैं आप लोग, हमने नॉर्मली इसमें से ये कंडेंसर का कनेक्शन किया है, प्लस वाले में L1 प्लस होता है, इसमें होता है L1, तो हमने प्लस में कंडेंसर का यूज़ किया है। अभी हम दो कंडेंसर दिखा रहे हैं, अभी एक भी चला कर दिखाएंगे और दो पर भी चला कर दिखाएंगे कि इसमें आपको कैसा आवाज़ देखने को मिलता है, एक कंडेंसर पर और दो कंडेंसर पर। और ये हमने डायरेक्टली ये माइनस कनेक्शन किया है, माइनस कनेक्शन हमने डायरेक्ट कर दिया है इसमें। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये डायरेक्ट हमारा है, देखिए एम्पलीफायर से होके आ रहा है, ये यहाँ से गया ऐसे ऐसे करके, ये डायरेक्ट 1000 वाट के एक चैनल पे दिया गया है तार यहाँ पे। इसके आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन किया गया है। तो आप लोग साउंड टेस्ट कराते हैं, शायद कनेक्शन आपको समझ में ही आ गया होगा। ये हमारे ये प्लस ये माइनस जो एम्पलीफायर से आ रहा है आहूजा के इस वाले चैनल से, तो ये प्लस हो गया, ये सॉरी ये माइनस डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पे, और प्लस हमने यहाँ पे हाथ में लेके रखा है। आप लोगों को दिखाएंगे टच करके ऐसे कि ये एक कंडेंसर पे कैसे काम करता है, दूसरे कंडेंसर पे कैसे काम करता है। तो चलिए हम यहाँ से अभी सॉन्ग को प्ले करेंगे। तो आप लोग आवाज़ चेक कर लीजिए, दो कंडेंसर का यूज किया है। जैसे कि आप लोग लाइव देख रहे हैं, दो कंडेंसर, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। फुल वॉल्यूम पे, फुल वॉल्यूम पे। अभी आप लोगों को सिंगल पे चेक कराते हैं। फुल बेस, एकदम तगड़ा वाला बेस इस गाने में आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, इसके ग्राफिक्स पे देख लीजिए, पूरा का पूरा हाई बेस वाला गाना चला रहे हैं आप लोग। बेस देखिए आप लोग, बेस कैसे इसमें हल्का है, बेस आ रहा है क्योंकि एकदम बेस बूस्टेड वाला गाना है। आप लोग चेक साउंड चेक सुन रहे हैं,
लेवल में फ़र्क क्या है आप लोग देखिए पहले कि सिंगल कैपेसिटर में और डबल कैपेसिटर में फ़र्क क्या है। पहले सिंगल में लगाता हूँ, डबल में लगाता हूँ, देख लीजिए आवाज़ सुन में आती है। अब डबल में सुनिए, सिंगल में सुनिए, आप सॉरी गाना बंद हो गया है, एक मिनट गाना दूसरा चेंज करता हूँ, गाना ख़त्म हो गया ये वाला, दूसरा गाना प्ले कर दिया है। आप लोग को जैसे देख पा रहे हैं ये डबल पे चेक, डबल पे सुन लिया है आप लोगों ने, फिर भी एक बार डबल चला दे रहा हूँ इस वाला गाने को। अब सिंगल पे ठीक है, फिर से डबल सिंगल में थोड़ा लाउड आवाज़ आता है, थोड़ा मोटी आवाज़ आता है, तो थोड़ा सा रिक्स बनता है, इसलिए मैंने डबल का प्रयोग करता हूँ। आप लोग को दिखा रहा हूँ कि सिंगल पे क्या आवाज़ आ रहा है। डबल पे हमारी मिड ख़त्म हो जाती है, सिर्फ हमारी HF हाई फ्रिक्वेंसी ही आती है, तो हमें HF में हाई फ्रिक्वेंसी की ही ज़रूरत होती है, तो हम लोग डबल का यूज करेंगे, डबल कैपेसिटर्स का। और ये देख लीजिए 2.5 MFD का है, 2.5 MFD 440 का है, तो आप लोग 2.5 MFD के दो कैपेसिटर्स को सीरीज़ में करके आप लोग ज्वाइंट कर सकते हैं, चला सकते हैं। और उस कैपेसिटर को हमेशा, चाहे HF हो चाहे ड्राइवर यूनिट हो, हमेशा आपको प्लस में ही कनेक्शन करना है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं प्लस में ही कनेक्शन देना है आप लोगों को, और माइनस हमारा डायरेक्ट रहता है हमेशा। तो आप लोग को साउंड चेक कैसा लगा होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बहुत कम होते हैं हमारे, 90% जो वीडियो देखने वाले हमारे यूट्यूब ऑडियंस हैं वो बगैर सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं, और हमारी आने वाली वीडियोज आपको नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो आनी बाकी हैं अभी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आप लोगों को जानकारी मिल पाएगी, काफ़ी यूनिक और काफ़ी अनसुनी जानकारी देंगे, जो आप लोग ने अभी ना ही देखी होगी ना ही सुनी होगी, किसी यूट्यूबर ने ना ही बताया होगा, रियलिस्टिक देंगे, कोई फेक नहीं, लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग लाइफ तक चलने वाला, जिससे आपको ना ही HF खराब होगा और ना ही कुछ एम्पलीफायर खराब होगा, ना ही कुछ कोई भी आपके कंपोनेंट खराब होंगे। तो साउंड चेक सुनिए अभी एक बार, बहुत से भाई कहेंगे कि सर आपने मिक्सर में बेस खोला ही नहीं है, चलिए मैं बेस भी खोल दे रहा हूँ, देखिए मेरे मिक्सर में इतना बेस ज़्यादा है कि भाई मतलब कि इतने से ज़्यादा कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है बेस चलाने के लिए, तो मैं इतना बेस खोल दे रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं बेस खुला है सेंटर तक, समझ लीजिए थोड़ा सा बचा नहीं, सेंटर कर दे रहे हैं, और ये हमारा मिड सेंटर में है और हाई सेंटर से 2 पॉइंट इधर है, तो अब और हमारा फेडर देख रहे हैं, फेडर पूरा फुल पे है, लाइट देख रहे हैं आप लोग, फेडर की लाइट पूरा फुल चल रही है ग्लो, यहाँ से भी वॉल्यूम फुल किया हुआ है, यहाँ से भी वॉल्यूम थोड़ा सा बचा हुआ है, बस 70% क्या 80% तक वॉल्यूम फुल ही है। तो आप लोग साउंड चेक सुनिए इस अभी,
कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी वॉइस खोल देंगे कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा कैपेसिटर से हमारी जो सिग्नल जाता है वो फ़िल्टर होके जाता है, सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी को ही जाने देता है। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप लोग दो कैपेसिटर्स का यूज़ करें, 2.5 MFD का सीरीज में करके लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। आप कंपटीशन में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो ड्राइवर यूनिट है, ये हमारा जो 450 है उसको तो क्या आप 850 तक का भी टक्कर ले सकता है ये। बस आप लोग कैपेसिटर का ध्यान रखें, कैपेसिटर हमारा 2.5 MFD के दो कैपेसिटर्स का यूज़ करना है सीरीज में करके। अहूजा के 1000 वाट पे मैं सिर्फ एक ही चला रहा हूँ, वो भी फुल वॉल्यूम पे, देख लीजिए एकदम फुल वॉल्यूम पे चल रहा है, तभी ना ही कटेगा ना ही कटेगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमारा मोटिवेशन बनाए रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।